और थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लोग टायर लगवाए हैं इसी का जो टेस्ट ड्राइव करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे अपने गाड़ी का काम शुरू हो चुका है और हमें भैया ने 3 टायर दिखाए थे, जिसमें से आपका एक ये एक अपोलो है, फिर ये आपका C8 है, फिर ये आपका MRF है। आप आप देख सकते हैं कांटा टोली जो जाम है, ये बहुत ही भयानक जाम है। आप देखेंगे तो बहुत ही भयानक तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने हिमालयन का चक्का को चेंज कराने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से घिस चुका है और अपन चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द चेंज कराया जाए। ऊपर से धीरे धीरे हवा भी लीक कर रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है और ऊपर से अभी भी गाड़ी में जो हवा है वो बहुत ही कम है। तो अपन लोग अभी जा रहे हैं इंडियन टायर्स बहु बाज़ार, तो वहीं से हम लोग अभी अपना टायर ट्यूब सब चेंज कर लेंगे। और आप देखेंगे तो ये कांटा टोली चौक बहुत ही भयानक तरीके से जाम है, हल बहुत मुश्किल से भी इतना आगे पहुंच चुके हैं। और देखिए अब हम लोग यहाँ से कब तक निकल पाते हैं, लगभग तो पहुँच ही गए हैं लेकिन अभी यहाँ से निकलने में आउट टाइम लगेगा। तो अब हम लोग कांटा टोली चौक पार कर रहे हैं, बहुत ही भयानक भीड़ होने के बावजूद अब हम लोगों ने ये पार कर लिया है। और इधर अभी भी काम चलते ही है बीच रास्ता में, फ्लाईओवर का काम, जो बड़ा वाला जो जनरेटर होता है उसको उठा के इधर उधर किया जा रहा है। अरे बहु बाज़ार हम लोग पहुंच चुके हैं, यहीं से हम लोगों को इंडियन टायर से अपना जो टायर है उसको चेंज कराना है। चलो काटो 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 घुसा दो। तो यहाँ पहुँच चुके हैं और चले देखते हैं, अब यहाँ 2-3 प्रकार का अलग अलग टायर होगा तो फिर उसी के आधार पर अब देखते हैं कौन सा हम लोग लगाते हैं, जो हम लोगों को सही लगेगा उसी आधार पर हम लोग लगाएंगे। और यहाँ लोग इंडियन टायर्स पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग इंडियन टायर्स में आए हुए हैं और हमें 2-3 अलग अलग प्रकार का टायर दिखाया गया, जिसमें अपोलो था, MRF है, फिर C8 है। तो फिर देखते हैं इसमें से हम लोग चाह रहे हैं कि MRF लगाया जाए, उसका थोड़ा सा प्राइस हल्का सा ज़्यादा है लेकिन वही बेस्ट रहेगा ऑफ रोडिंग के लिए। तो यहाँ पर अपने गाड़ी का काम शुरू हो चुका है और हमें भैया ने 3 टायर दिखाए थे, जिसमें से आपका ये एक अपोलो है, फिर ये आपका C8 है, फिर ये आपका MRF है। आप इसका गोगी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने चुना ये MRF, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि MRF लगाया जाए, क्योंकि ऑफरोडिंग भी करना ज़रूरी है और जिस कारण से हम लोग MRF लगवा रहे हैं। तो यहाँ पे भैया आप स्टिकर चिपकाने वाले हैं इंडियन टायर्स के। One hour later. तो आप देखेंगे तो हम लोग अभी हैं रिंग रोड में और थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लोग टायर लगवाए हैं इसी का जो टेस्ट ड्राइव करने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि यहाँ का जो अभी चलाने का जो एक्सपीरियंस कैसे है वो आप लोगों को बताएंगे। आप देखेंगे तो हम लोगों ने ये MRF का टायर लगवाया है, ये अपने को 4200 का पड़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका गोटी भी अच्छा है, मजबूत है। और बाकी जो C8 सब का था उसका लगभग इससे 1000 लगभग कम ही पड़ रहा था। और इसी को हम लोग टेस्ट ड्राइव करने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं और ये जो आप नज़ारा देखेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं आप सामने देखेंगे। तो अपन इधर ही से जाता है अपना घर सिमडेगा। आज अपनी महबूबा के साथ अपना और एक भाई है आकाश भाई, तो हम लोग साथ में आए हुए हैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करने के लिए, जो चक्का चेंज हुआ है। और कैसे लगा गाड़ी चला के आज, तो टेस्ट ड्राइव किए हो? गाड़ी तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ, गाड़ी वॉबलिंग नहीं मार रहा है। हाँ, मज़ा आया ना चला के? मज़ा आया ना पूरा चला के? हाँ। MRF का टायर लगा, MRF का नया टायर लगवाए हैं, इसका टेस्ट ड्राइव के लिए आए हुए हैं हम लोग।
तो फिर चलिए फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताते हैं आप लोगों को आगे। हमें आज नहीं पता कैसे आज रिंग रोड भीड़ लग रहा है, शायद कुछ काम वगैरह हो रहा है जिस कारण से भीड़ लग रहा है। और अभी आप देखेंगे तो ज़्यादातर बाइक वाले लोग ही दिख रहे हैं, और यह ट्रक भी पूरा तेज़ी में जा रहा है क्योंकि अभी रास्ता पूरी तरह से खाली ही खाली है। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारे हैं, और शायद कुछ कुछ काम हो रहे हैं जिस कारण से यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस करके। कुछ आपका नली वगैरह का ही कुछ काम चल रहा है। हाँ, पूरा पेड़ उड़ गिर गया है, तो थोड़ा सा हम लोग अभी इधर आए हैं तो सोच रहे थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका पेड़ गिरा हुआ है, और यहाँ से लगभग एक आध किलोमीटर की दूरी में स्थित है बायोडाइवर्सिटी, पंचायत सचिवालय, ग्राम पंचायत लाल खटंगा। और इधर आपको देखने को मिलेंगे पूरी तरह से प्रकृति से घिरा हुआ क्षेत्र, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको शुद्ध शुद्ध हवाएं मिलती है जो कि हमें शहरों में नहीं मिल पाती है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये एक गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र ही पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पे जो जाम लगते हैं वो ये गाय बैल बकरी वही सब के चलते जाम लगते हैं। ये शहर नहीं है कि आपको यहाँ गाड़ियों के द्वारा जाम देखने को मिलेंगे, यही अंतर है गांव और शहर के बीच में। तो यहाँ आप देखेंगे तो जैव विविधता उद्यान रांची, ये यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही मस्त जगह लग रहा है। इधर भी रुकते हैं ना। तो अभी अपन लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बायोडाइवर्सिटी में, तो थोड़ा सा यहाँ का जो नज़ारे हैं आप लोगों को दिखाएंगे। ये तो अभी बंद हो चुका है, फिर चले बाहर से दिखाते हैं। यहाँ पे आप टिकट घर है, यहाँ पे जैव विविधता उद्यान लाल खटंगा, यहाँ पे पूरी तरह से जो डिटेल है ये दिया गया है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ प्रति व्यस्क 30 रुपया है, फिर डिजिटल कैमरा 70 रुपया, प्रति वीडियोग्राफी आपका 500 रुपया है, टिकट प्राप्ति समय 10 बजे से 1:30 एवं 2 बजे तक से 4 बजे तक है। पार्क में भ्रमण करने का समय 10 से 5 PM तक का है। और इधर आकाश ब्रो भी आया है, कैसे लग रहा है यार बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तुम यहाँ घुसा है बताओ? हाँ, एक बार घुसे थे पिछले साल। हम भी बहुत पहले घुसे हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी को बाहर से देखे, क्योंकि अभी तो 5:30 हो चुका है, तो फिर बंद हो गया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे घुस नहीं पाया, और उसके बाहर अच्छी तरह से थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा सा वहाँ लड़कियों का मुजरा चल रहा था। मुजरा मतलब थोड़ा सा रील्स वो लोग बना रही थी, तो फिर छोड़ दिए वहाँ पे, फिर नहीं बनाए, फिर हम लोग इधर निकल गए। और यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे रिंग रोड, और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये शाम का समय है, और ये जो नज़ारे हैं ऐसे नज़ारा आपको बार बार और पूरी तरह से जो शहर से घिरा हुआ है वैसे क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये है काला एलियन, आकाश इसका नाम हम दिए हैं काला एलियन। मस्त नाम है ना, रिंग रोड 1 किलोमीटर। तो अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट करते हुए चलेंगे रिंग रोड, फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे नामकुम की ओर। तो अब हमें यहाँ से कटना है, हम लोग रिंग रोड पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमें उधर कटना है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अरे हेलो गाइस, इधर देखिए किससे मिल गए हम लोग, यूट्यूबर भाई से डबल ट्रिपर। जस जोहार 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 चले जोहार आप आ रहे हो, आप आ रहे हो इधर भी, इधर 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 यहाँ सब दादा लोग से मिल गए हम लोग बीच रास्ते में। मजा आया ना? हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बुधाना। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुके, और बायोडाइवर्सिटी को आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाए क्योंकि ये बंद हो चुका था, और
हम लोग निकल चुके हैं और आप जो वेदर देखेंगे और जो नज़ारे देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। और इधर आप देखेंगे तो ये बरसात के समय में ये जो फोटो खिंचाने के लिए एक झाड़ू टाइप का होता है वो वहाँ पे है। और इधर आकाश भाई पूरा चलाने को तैयार। तो फाइनली अब हम लोग लाल किला के पास पहुंच चुके हैं। ये जो सामने है इसी को लाल किला बोला जाता है। ये नामकुम में आर्मी ग्राउंड का कैंपस है। प्रैक्टिस चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे भाई लोग थोड़ा सा विली का प्रैक्टिस कर रहा है। कैमरा लाइव ऑफ किए थे बेटा, मार रहा लंबा। कवर करो बोनी। हाँ हाँ कर रहे कर रहे। सब भाई लोग यहाँ पे विली का प्रैक्टिस कर रहे हैं। Yeah.